हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आज आप लोगों के लिए विटामिन से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखा गया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जो भी भोजन हम खाते हैं उससे हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स, डाइट्री फाइबर्स या रफेज। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए सहायक हैं, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। विटामिंस ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है और हमारी आँखों, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को हेल्दी बनाने में भी सहायक है। इसके अंदर ए, सी, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस आते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों के लिए लाभदायक है। विटामिन सी ये बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी ये हमें दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम को यूज़ करने में सहायता करता है, इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मिनरल्स इसके अंदर आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम आते हैं। डाइट्री फाइबर्स या रफेज ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं, इसका जो मेन सोर्स है वह है होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि रफेज से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होता, लेकिन यह हमारे भोजन का एक इसेंशियल कॉम्पोनेंट है और ये उसके बल्किनेस को बढ़ाता है। इसी की वजह से हम अपने बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में सहायक होते हैं। इसके अलावा हम पानी भी पीते हैं। पानी हमें न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में सहायक देता है और साथ ही साथ जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसे वो यूरिन या स्वेट के माध्यम से बाहर निकालने में भी मदद करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, वीट, राइस और बाजरा। फैट्स, फैट्स के दो सोर्सेज हैं प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर नट्स, तिल, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन ऑयल। यहाँ पर जो भी सोर्सेज हैं उनसे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑयल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फैट्स। एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स इंक्लूड मीट, फिश, एग, क्रीम, मिल्क, घी एंड बटर। ये सारे हमें एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स के प्लांट जो सोर्सेज हैं वो मुख्य रूप से अधिकतर इसमें दालें आती हैं। मेन सोर्सेज जो हैं इनमें वो है ग्राम, पीस, मूंग, तुअर दाल, बीन्स एंड सोयाबीन्स। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, फिश, पनीर, एग एंड मिल्क। विटामिन ए पपाया, मैंगो, कैरेट, फिश ऑयल, मिल्क, गोल्डन राइस। यहाँ पे जो पपाया और मैंगो है ये है राइप येलो फ्रूट्स। राइप येलो फ्रूट्स में विटामिन ए पाए जाते हैं। इसके अलावा गोल्डन राइस में भी विटामिन ए पाया जाता है।
बाकी अन्य राइस में विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन बी के अदर सोर्सेज हैं वीट और लीवर। विटामिन सी, ये साइट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं जैसे कि ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रेप, और अदर सोर्सेज भी हैं इसके, ग्वाभा, पपाया, ग्रीन चिली। विटामिन डी, इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये लीवर, फिश, एग, बटर और मिल्क से प्राप्त होता है। आयोडीन, आयोडीन हमें आयोडाइड सॉल्ट से प्राप्त होता है। इसके अलावा जो भी फूड प्रोडक्ट हमें ओशंस से प्राप्त होते हैं उनमें भी आयोडीन पाए जाते हैं, जैसे कि सी फूड, सीवीड, क्रैब, फिश, प्रॉन्स। इसके अलावा कर्ड और जिंजर में भी आयोडीन पाया जाता है। फॉस्फोरस, इसके जो मेन सोर्सेज है वह मिल्क, बनाना, वीट, राइस एंड ग्रीन चिली। आयरन, लीवर, बनाना, एप्पल, पोमीग्रेनेट्स, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, डेट्स, बीटरूट, स्पाइनेज, ब्रोकली, पीस। यहाँ पर जो भी रेड में हाईलाइट किया हुआ है ये सारे रेड फ्रूट्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेड फ्रूट्स में आयरन पाए जाते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के जो मेजर सोर्सेज हैं वे हैं मिल्क एंड एग्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे डिजीजेज और डिसऑर्डर्स के बारे में देखेंगे जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण लॉस ऑफ विजन हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस या नाइट, इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी वन, बेरी बेरी, इसके लक्षण हैं मांसपेशियों का कमजोर होना और बहुत कम एनर्जी होना कोई भी काम करने के लिए। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अक्सर हमारे मसूड़ों से जब खून निकलता है तो समझिए कि आपको बॉडी में विटामिन सी की कमी है, और उन्स भी बहुत देरी से भरते हैं। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और पेंट होने का भी खतरा होता है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और दांत भी सड़ने लगते हैं, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा हो सकता है। इसमें नेक के पास जो ग्लैंड होते हैं वे स्वेल हो जाते हैं और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी देखा जा सकता है। आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसके कारण हम काफ़ी कमजोरी महसूस करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, इससे वो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो कि फैट में सॉल्युबल हैं और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो फैट्स में सॉल्युबल है, तो इसका उत्तर होगा बी ग्रुप एंड सी, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अब हम अपने डिस्कशन को एक नॉच और ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम हायर एंड के क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने विटामिन्स को एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जिससे कि हमें इसे समझने में और आसानी हो। विटामिन्स और
उनसे एसोसिएटेड विटामिन्स या केमिकल नेम और साथ ही साथ उसकी कमी से जो डिजीजेस हो सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि हमने देखा कि विटामिन ए डी ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जबकि बी ग्रुप और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, हाइपर केराटोसिस या केराटोमलेसिया भी हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस को हम अपने आईज से एसोसिएट करते हैं और आईज में हमारे रेटिना भी पाया जाता है, तो इससे हम इसके केमिकल नेम पे अराइव कर सकते हैं जो कि है रेटिनॉल या रेटिनल। अब हम ये भी जानते हैं कि कैरोट्स भी एक रिच सोर्स है विटामिन ए का। इससे आप एसोसिएट कर पाएंगे 4-कैरोटेनॉइड्स को। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन, कैरेट्स, स्क्वायर्स, स्पिनच एंड लिवर। विटामिन बी वन वन से आप खुद को एसोसिएट करेंगे यानी कि माइन, तो इससे इसका केमिकल नेम हो गया थाइमीन। B1 की कमी से बेरी बेरी वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है पॉर्क, ओटमील, ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटो, लिवर एंड एग्स। विटामिन B2, अब फर्ज कीजिए बिट्टू नाम का कोई लड़का है जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, तो इससे आप इसके केमिकल नेम रिबोफ्लाविन को एसोसिएट कर पाएंगे और इसी से आप उसके डिजीज़ को भी एसोसिएट कर पाएंगे, ए रिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन ए रिबोफ्लेविनोसिस। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, बनाना, पॉपकॉर्न, लेग्यूम्स, पीज एंड लेंटिल्स, एस्पेरागस। विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सबको याद रखने के लिए हम इसे क्रिकेट मैच, सेप्स या नंबर से एसोसिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं विटामिन B3 से हम निया को एसोसिएट करेंगे। निया 3 वर्ड का ही है, तो नियासिन नियासाइनामिड। फर्ज कीजिए बुमराह क्रिकेट मैच खेल रहा है और उसने 3 विकेट चटका दिए अपोजिशन टीम के। इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बुमराह ने अपोजिशन टीम को अच्छे तरीके से पेल दिया से हम कौन से डिजीज को एसोसिएट करेंगे, पेलाग्रा को। विटामिन B3 नियासिन नियासाइनामाइड पेलाग्रा डिजीज। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है मीट, फिश, एग्स, मेनी वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री नट्स। विटामिन B5, फर्ज कीजिए एक शेप है जिसके 5 साइड्स हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पेंटागॉन। पेंटागॉन के नाम से हम उसका पहला पार्ट उठा लेंगे पेंट, और इसे हम एसोसिएट करेंगे पेंटोथेनिक एसिड को। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। पारेस्थेसिया पेंटागॉन पेंट पारेस्थेसिया BBB PPP। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है मीट, ब्रोकली एंड एवोकेडो। विटामिन B6, जैसे क्रिकेट मैच में बैट्समैन ने छक्का मारा है ना, तो 6 का जो लास्ट वर्ड है वो उसमें एक्स आता है, इसलिए उसी तरीके से इसके केमिकल नेम में भी डॉक्स 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 पायरी डॉक्सिन पायरी डॉक्सामाइन
पायरीडॉक्सल। इसकी कमी से अनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिजीज होता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है मीट, वेजिटेबल्स, ट्री नट्स, बनानाज। विटामिन B7 जिस शेप के सात साइड होते हैं उसे हम हेप्टागॉन कहते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप 7 की जगह 17 को कंसीडर करो तो उसके में लास्ट में 3 आया, बायोटिन। इससे जो एसोसिएटेड डिजीज है वो है डर्मेटाइटिस, एंट्राइटिस। विटामिन B7, बायोटिन, डर्मेटाइटिस, एंट्राइटिस। इसके जो मेन सोर्सेज है वो है रॉ एग योक, लीवर, लेग्यूम्स, पीनट्स, सोयाबीन, स्पाइनेच, ब्रोकली। इसे हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनल, नाइट ब्लाइंडनेस। कैरोट से 4 कैरोटेनॉइड्स। विटामिन B1, माइन थाइमिन। विटामिन B2, रिब, रिबोफ्लेविन, ए रिबोफ्लेविनोसिस। विटामिन B3 से 3 को एसोसिएट करेंगे तो नियासिन, नियासाइनामाइड। विटामिन B3, पेलाग्रा। विटामिन B5, पेंटागॉन से पेंटोथेनिक एसिड। पारेस्थेसिया, विटामिन B6, XXX, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सामाइन, पायरीडॉक्सल। विटामिन B7, बायोटिन, डर्माटाइटिस, एंट्राइटिस। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9, B12, विटामिन सी। ये तीनों वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जबकि विटामिन DE के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम फॉलिक एसिड है। इसे भी हम क्रिकेट के थ्रू ही एसोसिएट करेंगे। जैसे कि फर्ज कीजिए बुमराह ने क्रिकेट में 9 विकेट ले लिए, कहने का मतलब कि वो उस मैच का सुपरस्टार या मेगा स्टार बन गया। तो आप मेगा स्टार से आप एसोसिएट करेंगे मेगालोब्लास्ट को। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्ट और प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल डिफेक्ट्स जैसे बर्थ डिफेक्ट्स भी देखे गए। इसलिए डॉक्टर्स प्रेग्नेंट वीमेन को फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी रिकमेंड करते हैं। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वे हैं लीफी वेजिटेबल्स, ब्लैक आइड पीस, एवोकाडो, पास्ता, ब्रेड, सीरियल, बीटरूट एंड लिवर। अब हम बात करेंगे अगले विटामिन की, जो है विटामिन B12। इसे हम क्रिकेट के 12 मैन से एसोसिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर विटामिन B9 और B12, इन दोनों को ही हम क्रिकेट से एसोसिएट कर रहे हैं। तो विटामिन B9 से मेगालोब्लास्ट, जबकि विटामिन B12 से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो यहाँ पर 12 से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसका जो केमिकल नेम है वो 12 लेटर से ज़्यादा है, और इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है कोबालामिन। साइनोकोबालामिन, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन। इसके कमी से जो डिजीज होता है वो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। विटामिन B9 मेगालोब्लास्ट, विटामिन B12 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है मीट एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक एग, फिश, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स। यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाए जाते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको फोर्टिफाइड सीरियल्स या सप्लीमेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब हम बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। स्कर्वी से आप एस्कॉर्बिक एसिड
को एसोसिएट करेंगे तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। मेन सोर्सेज बेल पेपर्स, पपाया, गुआवा, साइट्रिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली। विटामिन सी वाले जो भी फ्रूट्स हैं उसे हम बिना कुक या बॉयल किए खाते हैं क्योंकि उससे वो बहुत ही ईजली डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम इन्हें कच्चा ही खाते हैं। या फिर अगर हम नींबू वाली चाय भी बनाते हैं तो आप देखते हैं उसमें नींबू हम सबसे लास्ट में डालते हैं ताकि वो जो भी विटामिन है, विटामिन सी, वो डिस्ट्रॉय ना हो। विटामिन डी, विटामिन डी से हम कैल्शियम को एसोसिएट करेंगे तो इससे इसका केमिकल नेम हो जाएगा कोल कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया जैसे डिजीजेस होते हैं। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो है डायरेक्ट सनलाइट, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज हैं वो है फिश, एग्स, लीवर एंड मशरूम्स। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन, विटामिन ई, ई से हमें क्या ध्यान में आता है, ईटीसी एटसेट्रा, ईटीसी, टीसी से हम टोकोफेरोल, टोको ट्राइइनोल्स को ध्यान में रखेंगे। इसकी डिफिशियंसी बहुत ही रेयर है और ये न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में माइल्ड होमोलाइटिक अनेमिया के रूप में देखा जा सकता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं सनफ्लावर सीड्स या सनफ्लावर ऑयल, वीट्स जर्म ऑयल, पीनट्स, चीकू या इसे हम सपोटा भी कहते हैं, आलमंड्स, हेजलनट्स एंड स्पिनच। विटामिन के, के से अब हम इसे एसोसिएट करना चाहेंगे के, क्यों? जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ तो क्यूनोन। विटामिन बी का केमिकल नेम फाइलोक्यूनोन, मेना क्यूनोन। इसकी कमी से हमें ब्लड क्लॉट होने में दिक्कत आती है और हमें ब्लीडिंग डायथेसिस हो सकता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं वह हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, एग योक्स एंड लीवर। दोस्तों अब मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सारे विटामिन्स के केमिकल नेम एंड डिजीजेस याद हो गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें टेस्ट करना है कि फूड में स्टार्च, प्रोटीन या फैट्स हैं तो हम उसे कैसे टेस्ट करेंगे? फूड में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है तो उसे टेस्ट करने के लिए हम उसे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च प्रेजेंट है। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम सबसे पहले फूड का एक छोटा सा अमाउंट ले लेंगे और फिर हम उसे ग्राइंड या मैश या पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद हम उसे पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन मिलाएंगे। ये सॉल्यूशन मिलाने के बाद अगर उसका कलर वॉयलेट में चेंज हो जाता है मतलब उस फूड में, उस भोजन में प्रोटीन अवेलेबल है। फैट्स, फैट्स के टेस्ट के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा चाहिए और फिर उसके बाद हम उसमें उस भोजन को रैप करके उसे क्रश करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रश करते वक्त वो पेपर फटे ना। उसके बाद अगर हमें उस पेपर पर ऑयली पैच दिखता है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं
कि उस फूड में फैट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप उसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। आप चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।